पोल्ट्री फार्म खुलवाने और किराए से गाड़ियां लगवाने का झांसा देकर 20 से ज्यादा लोगों को ठगने वाली लेडी डॉन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पर पूर्व से ही धोखाधड़ी के कई प्रकरण दर्ज है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीडी नगर में एग्रो सीड्स फार्मिंग कंपनी के नाम से 2 माह पहले ऑफिस खोला। ट्रेवल एजेंसी संचालक गजराज सिकरवार को दोस्त ने फोन किया। उसने कहा एग्रो सीड्स फार्मिंग कंपनी में गाड़ियां किराए से लगनी है, उसमें एक नंबर दिया। गजेंद्र ने इस नंबर पर कॉल किया तो महिला ने फोन उठाया। महिला ने अपना नाम सपना शर्मा बताकर उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। उसे 2 गाड़ियां किराए पर लगाने की एवज में हर माह 1,20,000 रुपए का भुगतान करने की बात कही। फिर इसके साथ यहां मौजूद 2 युवकों ने उसे खेत किराए पर देकर पोल्ट्री फार्म खोलने का झांसा दिया। इन युवकों के नाम सत्येंद्र सिंह चौहान और हरीश भाटिया है। उसे कहा वह अपना खेत देगा तो उसे पोल्ट्री फार्म बनाकर देंगे, एवज में 3,60,000 रुपए कंपनी को देने होंगे। 45 दिन बाद हर माह 1,00,000 रुपए मिलेंगे। वह झांसी में आ गया, उसने रुपए दिए। इसी तरह इन लोगों ने कमलेश सिंह कुशवाहा, गजेंद्र गुर्जर और अन्य लोगों से भी पैसे लिए। रविवार को कंपनी के ऑफिस पर जब पैसे देने वाले लोग पहुंचे तो यह बंद था और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने इनके नंबर की लोकेशन निकाली और रात में सपना साहू को पकड़ लिया, जहां पूछताछ के दौरान उसने बताया कि इंदौर में उस पर कई अपराध दर्ज हैं। सपना साहू ग्वालियर में गुजरात के दाहोद के रहने वाले हरीश भाटिया इंदौर के गांधीनगर में रहने वाले सौरभ सिंह चौहान के साथ नाम बदल कर रह रही थी। जिन लोगों को कंपनी में नौकरी पर रखा था उनके साथ भी ठगी की। इन लोगों की तनख्वाह नहीं दी और कंपनी बंद कर भाग गए। पुलिस फिलहाल उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। कल महाराजपुरा में एक व्यक्ति के आवेदन पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जो धोखाधड़ी ठगी को लेकर है, और इसमें आवेदक के द्वारा बताया गया कि माह जुलाई से उसके द्वारा 1-2 लोगों ने बोला कि पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए हम लोग आपसे पैसे ले लेंगे और उसको आपको फ्रेंचाइजी टाइप की दे देंगे। इस बात को लेकर 3 लाख रुपये अपने खाते में दिलवा दिए, ना तो पैसे वापस किए जा रहे हैं और उनके द्वारा संपर्क भी नहीं किया जा रहा है। इस बासी व्यक्ति पर उसने एक आवेदन दिया जिसे पंजीबद्ध किया गया, मामला विचार में लिया गया।